हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो क्या लग रहा है भाई, मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी आज भी मार्केट वीक ही था, बाइंग तो आ नहीं रही है, तो क्या लग रहा है, क्या नीचे जाने वाला है ट्रेंड? अभी क्या लग रहा है, अभी ट्रेंड का क्या होने वाला है? स्टॉक गिर रहा है तो इन्वेस्टर क्या करे भाई ये स्टॉक में? तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी और स्पेशली ट्रेंड के बारे में। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वॉच दी देन इफ यू आर इफ यू स्टिल हैवन सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, मेक दिस चैनल वायरल। फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट देता हूँ, ये मेरा हैंडल है @trendonomicsHD, वहां पे फॉलो कर सकते हो और वहां पे मैं बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दिया है बायो में, तो टेलीग्राम चैनल में भी आप फॉलो कर सकते हो। ट्रेंड का मैंने ऑलरेडी चार्ट डाला है मेरा, राइट? सो वहां पे कर सकते हो। फ्री इलियट वेव का कोर्स करना है, इलियट वेव का कोर्स हमारे वेबसाइट पे है, फ्री बुक है, राइट? फ्री बुक आपको मिलेगा वेबसाइट पे, वो इलियट वेव इंटरनेशनल की वेबसाइट से आप वहां पे कर सकते हो। ओके, लेट्स डिस्कस भी पहले तो निफ्टी क्या लग रहा है। ओके, ट्रेंड का बाद में करेंगे, पहले तो निफ्टी का डिस्कस करते हैं क्या लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, और फिर उसके बाद ट्रेंड के बारे में भी डिस्कस करते हैं हम, राइट? सो क्या लग रहा है भाई, कहाँ जाएगा, कब आएगी तेजी? तो देखो, ब्रादर वेवकॉन तो हमारा सेम ही है निफ्टी का। अभी हम लोग वेव फोर करेक्शन मोस्टली या तो यहाँ पे कंप्लीट हुई है या तो कंप्लीट होगी दिसंबर में, लेकिन हायर बॉटम के साथ। ओके, मींस अभी और लोअर बॉटम आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ओके, जो भी आएंगे हायर बॉटम आएंगे और उसके बाद हम 28,000 के पास जाएंगे। वो व्यू मेरा कायम है, वो रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होने वाला, 28,000 का व्यू। ओके, एज ए ट्रेडर मेरा डेली व्यू चेंज होता है, बराबर? तो जैसे 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि वहां पे लॉन्ग्स बुक करने चाहिए, क्योंकि मैं वीकली ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, बराबर? तो वीकली ऑप्शन में तो वो लॉन्ग टर्म व्यू का कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि अगर वीकली ऑप्शन में नहीं आता है तेजी तो वो ऑप्शन जीरो हो जाएगा, बराबर? तो मीन्स ऑब्वियसली, तो लॉन्ग टर्म का व्यू लेके शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करते, मैं दोनों व्यू अलग रखता हूँ, राइट? शॉर्ट टर्म में अगर मुझे वीक लगे तो मैं सेल भी करता हूँ, जैसे कल किया था मैंने, कल पुट लिया था। आज क्या किया, आज कुछ नहीं, आज एक बार मैंने लिया था कॉल बट एग्जिट मारा क्योंकि बाय सिग्नल फेल हो गया। ओके, तो क्या लग रहा है मार्केट, क्या लग रहा है? तो ब्रॉडर व्यू तो वही है कि मार्च अप्रैल तक 28,000-29,000 या मे बी 30,000 तक मार्केट आएगा, निफ्टी आएगा। और फोर्थ वेव का ये जो करेक्शन है, येल्लो वाली जो मार्क की है, मोस्टली उसका अभी बॉटम बन चुका है। हाँ, बट करेक्शन उसका मे बी दिसंबर में खत्म हो सकता है, हायर बॉटम बना के, राइट? और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर 28,000 के आसपास, या फिर यही से 28,000 की जर्नी मीन्स शुरू होगी। लेकिन अभी लोअर लो नहीं आएंगे, चांसेस बहुत कम है लोअर लो के। ओके, वीकली क्या बना है, तो वीकली पे डोजी बना है, डोजी नहीं बना, हैमर टाइप कैंडल बना है। देखो, लास्ट वीक दोजी बना था, ये वीक हैमर कैंडल बना है और 34 वीक मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है। बाउंस कहां से आया, 34 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस आ गया। मैं कौन से मूविंग एवरेज यूज करता हूं, मैंने बहुत बार कह चुका हूं, मैं 13, 34, 89, ये तीन मूविंग एवरेज में यूज करता हूं, ये मैं यूज करता हूं। क्यों यूज करता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए वर्क होते हैं बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त वर्क होते हैं मेरे लिए। तो मैं जब से मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है मैं वही यूज कर रहा हूं, मैंने कभी चेंज ही नहीं किया मेरे में। हमें सॉरी 34 वीक मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया मार्केट ने, और डेली पे 89 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, राइट? तो 2 दिन पहले मैंने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे ओवरबॉट जोन है इंट्राडे पे और मार्केट नीचे आना चाहिए करेक्शन में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 5 वेव थोड़ा कंप्लीट दिख रहा है। 5 वेव रैली जो बाउंस आ गया, नीचे से जो बाउंस आ गया वो 5 वेव में आ गया, वहां से एक बार
मार्केट नीचे आएगा ऑब्वियसली, फाइव वेव कंप्लीट होने के बाद थ्री वेव करेक्टिव में जाएगा, तो अभी ये थ्री वेव करेक्टिव में नीचे आ रहा है, क्या करेक्शन कंप्लीट हो गया अभी डोंट नो। ओके दोनों कंपेयर करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, तो देखो यहाँ पे 10 मिनट का नहीं मैं चार्ट लगाऊंगा आवरली का, बेटर रहेगा बेटर दिखेगा हमें। तो देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, तो देखो 10 बार्स में निफ्टी ऊपर गया एज अगेंस्ट 15 बार्स हो गए आवरली पे, निफ्टी नीचे आ रहा है 61% रिट्रेसमेंट में। 7 बार्स में आवरली के 7 बार्स में बैंक निफ्टी ऊपर गया एज अगेंस्ट 16 बार्स हो गए, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है और रिट्रेसमेंट कितनी हो गई 61%। यानी देखो कम टाइम में ऊपर गया और ज्यादा टाइम लग रहा है नीचे लाने के लिए और रिट्रेसमेंट 61% हो रही है, पूरा मार्केट तोड़ के नीचे लो तक लेके आया क्या? नहीं। यानी क्या मार्केट कह रहा है कि अभी धीरे धीरे बेयर्स का पावर कम हो रहा है और बुल्स का पावर थोड़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो कम टाइम में ऊपर गया और नीचे लाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन मार्केट नीचे पूरा तोड़ के नए लो पे नहीं जा रहा है, बराबर 61% पे रुका हुआ है, 61% फिबोना के रिट्रेसमेंट में रुका हुआ है। ओके और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, देखो निफ्टी में लोअर लो अभी तक आया नहीं है, लोअर लो यानी कल की ये जो लो बनाया हमने आज सुबह वहां से बाउंस आ गया, उसके बाद इंट्राडे पे लोअर लो निफ्टी में नहीं आया लेकिन बैंक निफ्टी में लोअर लो आ गया है, बराबर। तो वो डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं बॉटम बन गया, डाइवर्जेंस के बाद अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट में बॉटम बन के तेजी आती है। तो जैसे लास्ट टाइम हुआ था, देखो मैंने चार्ट डाला है ऑलरेडी, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था जहां से बाउंस आया था, जहां से रैली आई थी, तो देखो यहां से रैली आई थी बराबर, तो रैली से पहले मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर गया निफ्टी, बैंक निफ्टी भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर गया और मूविंग एवरेज में भी ब्रेक करके दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर गए, तो आज वो मिसिंग है, आज ब्रेकआउट मिसिंग है, इसलिए मार्केट रैली नहीं दे पा रहा। ओके इसलिए मार्केट रैली नहीं दे पा रहा क्योंकि ब्रेकआउट मिसिंग है। जैसे यहां पे ब्रेकआउट आया था देखो ट्रेंड लाइन का और मूविंग एवरेज का, निफ्टी में भी आया था, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आया था ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट आने के बाद सस्टेन हुआ और मार्केट ऊपर चला गया। तो अभी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ जाता है, लास्ट टाइम भी डाइवर्जेंस था, देखो यहाँ पे निफ्टी में हायर बॉटम था, आज भी निफ्टी में हायर बॉटम है, यहाँ पे देखो हायर बॉटम तो है लेकिन बाइंग नहीं आई है। ओके और बैंक निफ्टी में लोअर लो, जैसे लास्ट टाइम लोअर लो था अभी भी लोअर लो बन रहा है बैंक निफ्टी में, राइट, बट बाइंग नहीं आई है, तो बाइंग आनी इंपॉर्टेंट है। बाइंग आएगी मूविंग एवरेज के ऊपर, ये जो व्हाइट वाला है मेरा मूविंग एवरेज उसके ऊपर अगर बाइंग आएगी, ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बाइंग आएगी तो मार्केट रिवर्स करके ऊपर जाएगा नेक्स्ट वाली वेव में, तो वो उसके लिए वेट करना है बाय सिग्नल के लिए, वो बाय सिग्नल अभी भी आ नहीं रहा। एक बार देखो यहाँ पे आज थोड़ा सिग्नल वीक हो गया, क्यों? यहाँ पे ब्रेकआउट आया था लेकिन वो फेक हो गया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस नीचे आ गया, तो फॉल्स ब्रेकआउट तो आता है ना मार्केट में, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट आता है, आज फॉल्स ब्रेकआउट आ गया, तो ठीक है। देखो दोनों आप बोलोगे सिर्फ बाय का, तो देखो सेल भी होता है ना, देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस था, यहाँ पे निफ्टी में हायर हाई बनाया, बैंक निफ्टी में लोअर हाई बनाया, उसके बाद ब्रेकडाउन आ गया, तो सेल ट्रिगर मैंने कल 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 तो मैंने पुट में काम किया बराबर, क्योंकि कल मैंने डाइवर्जेंस एक्चुअली देखा नहीं था निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो आज मैंने नोटिस किया, लेकिन मींस वो डाइवर्जेंस के बाद सेल का भी सिग्नल वर्क हो गया, जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस के बाद बाय का सिग्नल वर्क हो गया वैसे डाइवर्जेंस के बाद सेल का सिग्नल भी वर्क हो गया, राइट। तो अभी वापस डाइवर्जेंस है लेकिन बाय ट्रिगर आया नहीं है, तो बाय ट्रिगर के लिए वेट करो, अगर ये हाई ब्रेक करके ऊपर जाता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी वापस बाय मोड में जाएंगे, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूं। ओके तो आज लिया था मैंने लॉन्ग लेकिन मैंने कट किया क्योंकि मीन्स वो फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया, तो रोज तो पैसा नहीं बनता भाई, यहाँ पे रैली में बना फॉल में भी बना, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई हर दिन पैसा बनाओ, नहीं हर दिन नहीं बनता पैसा, आज नहीं बना आज लॉस हो गया। तो लेकिन एक चीज तो है कि अभी थोड़ा बेयर्स की पावर थोड़ी थोड़ी कम हो रही है क्योंकि फास्टर टाइम में मार्केट ऊपर गया और
स्लोअर टाइम में नीचे आ रहा है और रिट्रेसमेंट 61% की हुई है। हमें बस ऊपर की ब्रेकआउट आनी चाहिए, वो आएगी, सस्टेन होगा तो मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट वीक में मंडे देखेंगे, मंडे को वापस मैं चार्ट तो डालूंगा ही लाइव मार्केट में तो ओके हाँ, और मोमेंटम इंडिकेटर में बाय सिग्नल नहीं आया है। ओके देखो, यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर में बाय सिग्नल आया था वो दिन, परसों के दिन, बराबर 15 मिनट अवरली चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे भी देखते, चलो आज आया था क्या मोमेंटम इंडिकेटर में बाय सिग्नल, लेट्स वेट एंड सी। तो देखो यहां पे मोमेंटम इंडिकेटर में बाय सिग्नल आया था और सस्टेन हुआ, और देखो 89 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक बार आया था सिग्नल बट क्या हुआ, सस्टेन नहीं हुआ मार्केट, राइट। तो हाँ हो सकता है ना फेल, कभी कभी हो भी सकता है भाई, बट देखो आइडियली क्या है, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट साइडवेज जा रहा है, देखो मोमेंटम इंडिकेटर साइडवेज जा रहा है, साइडवेज अगर जाए तो उसका मतलब है मार्केट रेंज बाउंड में है, मार्केट रेंज बाउंड में है। 15 मिनट चार्ट पे इंडिकेटर अपना साइडवेज जा रहा है, देखो अप ट्रेंडिंग नहीं है, साइडवेज में है, तो साइडवेज का मतलब है मार्केट रेंज में रहेगा, तो इसलिए आज मार्केट दोनों साइड खेल रहा है, ऊपर नीचे दोनों साइड, बुल बेयर का टफ फाइट जो चल रहा था क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर में साइडवेज दिखा रहा था इंडिकेशन, ओके, और ब्रेकआउट में सस्टेन नहीं हुआ तो मार्केट नहीं दिया आज मूव, कि ठीक है होता है कुछ कुछ दिन नहीं मिलता, हर रोज प्रॉफिट थोड़ी होगा भाई, मार्केट में आप आए हो प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, गारंटी सिर्फ लॉस की है, मार्केट में आए हो आप 10 में से 2-3-4 बार लॉन्ग तो जाओगे ही जाओगे, तो जब देखो फोकस कहाँ पे होना चाहिए, मैं ट्रेंड के बारे में बता रहा हूं, मैं ट्रेंड के बारे में बताऊंगा, आपने ट्रेंड देख के आज वीडियो खोली है, ट्रेंड का डिस्कस करूंगा मैं, बट थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी एक बार कर लेते हैं, ओके। तो देखो मार्केट में मैंने वो ट्वीट भी डाला था कि जितना मैं राइट जाता हूं मैं रॉन्ग भी जाता हूं, लेकिन मैं क्या फॉलो करता हूं, जब मैं रॉन्ग जाता हूं तो मैं स्मॉल लॉस में बाहर हो जाता हूं, क्योंकि मेरा कैपिटल बचना चाहिए, कैपिटल बचेगा तो आगे ट्रेड कर पाओगे ना भाई, आज जिंदा बचोगे तो कल ट्रेड कर पाओगे, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है लॉस, स्मॉल लॉस में बाहर होना, और जब पैसा बने तो बहुत ज्यादा पैसा बने वो भी इंपॉर्टेंट है, विन रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग विन रेट के पीछे भागते हैं, लेकिन विन रेट से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पैसा बनाओ तो बहुत ज्यादा पैसा बनाओ, और जब आप रॉन्ग जाओ तब छोटा लॉस लेके बाहर जाओ, यही होली ग्रेल है मार्केट का, मार्केट का होली ग्रेल यही है, विन रेट नहीं है, और मीन्स ऐसे बोलेंगे तो सिस्टम भी इतना होली ग्रेल नहीं होता मार्केट में, होली ग्रेल इज मेक बिग मनी वेन राइट एंड लूज लेस मनी वेन रॉन्ग, ओके। तो वेट कर रहे हैं सिस्टम में सिग्नल आने के लिए, और आएगा अगर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट वीक में वापस तेजी में जाएंगे, अदरवाइज वेट करेंगे, राइट। डाउन साइड में जा सकता है क्या, फिलहाल तो निगेटिव में ही बंद हुआ है, राइट, तो देखते क्या होता है नेक्स्ट वीक, क्या होता है देखते, इंडिकेशन तो डाउन में ही बंद हुआ है, तो इंडिकेशन ये नहीं है बाय का नहीं है आज, बट डेली पे थोड़ा देखो, डेली पे बैंक निफ्टी मूविंग एवरेज पे है, राइट, सपोर्ट ले रहा है, और निफ्टी में डेली की कैंडल तो वो क्लोजिंग बहुत ऊपर की आ गई भाई, ये तो गजब की क्लोजिंग आ गई निफ्टी की भाई, है तो मीन्स ये देखा ही नहीं मैंने, लोएस्ट में क्लोज हुआ था निफ्टी, इसलिए मैं लेके मीन्स निकल के बाहर आ गया स्टॉप लॉस, और क्लोजिंग तो भाई एवरेज अभी मीन्स क्लोज देखने के बाद तो लग रहा है भाई लेके जाना चाहिए था पोजीशन, नेक्स्ट वीक ले लेंगे, जाने दो क्या करें ये तो होना है मार्केट में तो निफ्टी बैंक निफ्टी का मेरा नेक्स्ट वीक के लिए बाय मोड का ही है, ओके, बिकॉज रिट्रेसमेंट हो गई है और नेक्स्ट रैली के लिए वेट कर रहे हैं, वेव थर्ड के लिए ऊपर जाने के लिए हम वेट कर रहे हैं, ओके।
डाइवर्जेंस तो है, ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। ओके अभी ट्रेंड, तो ट्रेंड में क्या लग रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज देखो, अभी ये मोमेंटम इंडिकेटर आप ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मैंने पब्लिश किया नहीं है। क्यों नहीं किया है पब्लिश? क्योंकि अभी भी उस पर वर्क चालू है मेरा, एकदम स्ट्रांग सिस्टम बनाऊंगा उसके बाद ही मैं उसको लाऊंगा मार्केट, राइट। तो फिलहाल तो मैं मोमेंटम इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, कैसे यूज करना है और क्या करना है, इलियट वेव वाइज, इलियट वेव पे भी तो सिग्नल चाहिए भाई, प्राइस पे भी तो सिग्नल चाहिए बराबर, तो वो सब चीजें मैं मेंटरशिप में डिस्कस करूंगा। डेफिनेटली मेंटरशिप में टोटल मैं डिस्कस करूंगा इंडिकेटर कैसे यूज करना है, और मेंटरशिप में जो अगर आप आते हो तो आपको मैं इंडिकेटर दे दूंगा, आपको इंडिकेटर का ईयरली एक्सेस दे दूंगा मेंटरशिप वालों को। ओके सो और ऑप्शन बाइंग में भी कैसे वर्क करेगा वो सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटरशिप में, राइट। तो आपको आना है नेक्स्ट सैटरडे से चालू होगी, तो आना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ, सिखा दूंगा। अभी एडमिशन ओपन हुए हैं, अगर आपको आना है 10 to 1, और वीकेंड रहेंगे सेशन सैटरडे संडे, और कुछ कुछ लाइव मार्केट के भी, ऑब्वियसली लाइव मार्केट में तो इम्पोर्टेंट है भाई, बंद मार्केट में तो भाई बताने को इजी रहता है, लाइव मार्केट में जब ट्रेड डालते हो आप सामने सामने वो अलग रहता है। तो लाइव मार्केट के भी सेशन रहेंगे, बंद मार्केट के भी रहेंगे सेशन, राइट। और मीन्स आना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ, सिखा दूंगा। और ऐसे नहीं है कि एक बार आ गए खत्म हो गया, नहीं, आप देखो कुछ कुछ स्टूडेंट तो मेरे 2 3 बैच बैठ चुके हैं, तो आप 2 3 बैच आराम से बैठ सकते हो, वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाथ स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट आ जाएंगे वापस, तो मेरे क्या जाने वाले भैया, नहीं जाने वाले, आपको सीखना है, जब तक आपका जी नहीं भरता आप आ जाओ बिंदास आके बैठो। ओके पूरे क्वेरीज आपके मैं सॉल्व करूंगा, आपके कुछ स्टॉक में से भी कराएंगे क्वेरीज, वो सब चीज मैं सॉल्व करूंगा। तो आना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ मेंटरशिप में। अभी ट्रेंड तो ओके, आपको लगता है कि मैं सिर्फ बोल बोल का सिग्नल देता हूं, तो ऐसा नहीं है। अभी ट्रेंड मुझे खराब लग रहा है, ट्रेंड में वीकली में मोमेंटम में सेल सिग्नल आ गया, सारे 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 तोड़ के नीचे आ रहा है, वीकली वीकली मोमेंटम इंडिकेटर सब कुछ तोड़ के नीचे आ रहा है। तो अभी लास्ट होप रह गया है बस मूविंग एवरेज, तो ये 34 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो बुल का लास्ट होप है। क्या लिखा है मैंने, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइट, क्यों मैं बता रहा हूँ? ओके आप बोल रहे हो कि आप तो 28,000 का व्यू दे रहे हो बराबर, उस पे तो आप कायम हो बराबर, उस पे तो मैं कायम ही हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि मीन सभी स्टॉक ऊपर जाएंगे। मेरा निफ्टी का व्यू 28,000 का है, उसका मतलब थोड़ी है कि सभी स्टॉक जाएंगे ऊपर, नहीं। कौन सी वेव में है हम लोग? ओके इलियट वेव वाइज पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इलियट वेव वाइज हम लोग फिफ्थ वेव में, फिफ्थ वेव में जाने वाले हैं, 28-29 हजार को जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे हम लोग। ओके लेकिन फिफ्थ वेव में सारे स्टॉक ऊपर नहीं जाते, कुछ कुछ स्टॉक पहले टॉप आउट कर देते हैं। तो क्या ट्रेंड ने टॉप आउट किया है? मैं ऐसे कुछ बता नहीं रहा कि उसने टॉप आउट किया है, मुझे नहीं पता टॉप आउट किया है नहीं किया है, मुझे पता नहीं, लेकिन सिग्नल वीक आया है। तो निफ्टी का व्यू सेम है, 28,000 जाएगा ही। ओके लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड भी न्यू हाई पे जाएगा, मैं अभी कुछ बता नहीं रहा कि न्यू हाई पे जाएगा नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है ट्रेंड में खतरा आया है, ट्रेंड में डेंजर आया है, इसलिए मैंने डेंजर का साइन डाला है इधर। क्यों? ये क्वार्टरली चार्ट है, देखो यहाँ पे 3 मंथ का चार्ट है। अब लोग ये 3 मंथ का चार्ट कैसे लगाते हो? तो मेरा ट्रेडिंग व्यू पेड है, पेड है, तो मेरे पास मैं जो चाहे टाइम फ्रेम डाल सकता हूँ इसमें, मुझे 1 साल का भी है टाइम फ्रेम, देखो मेरे पास, मैं खुद का टाइम फ्रेम यूज कर सकता हूँ जितना मुझे चाहिए, 12 मंथ का है, 6 मंथ का है, राइट, 8 आवर्स, 8 आवर्स का भी टाइम फ्रेम मैंने मैंने बना के डाला है। ये ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल नहीं रहता, ये मैंने खुद ने डाला है, राइट, मीन्स प्रीमियम वालों को है। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम में डाइवर्जेंस है। ओके प्राइस ऊपर गया लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर में
ऊपर नहीं गया, न्यू हाई पे नहीं गया, वो डायवर्जेंस है। तो डायवर्जेंस का मतलब क्या है? डायवर्जेंस का मतलब फॉल आएगा नहीं होता, डायवर्जेंस का मतलब होता है कि वहां पे बुल्स वीक हो गए हैं। तो फॉल कब आता है? तो फॉल कब आता है? जब मार्केट कोई भी प्रीवियस स्विंग लो तोड़ के नीचे जाता है, कोई भी मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे जाता है, तो रिवर्सल आता है ट्रेंड में। तो मीन्स अभी ये तो क्वार्टरली चार्ट है भाई, क्वार्टरली चार्ट पर बहुत लेट सिग्नल आएगा। मीन्स जब तक ये मूविंग एवरेज टूटेगा तब तक स्टॉक तो आधा हो जाएगा भाई पहले ही। क्वार्टरली मूविंग एवरेज की दर है 3,500, 3,500 पे। तो मीन्स आप बोलोगे 3,500 के नीचे जब स्टॉक जाएगा तब उसमें सेल सिग्नल आएगा, बराबर। लेकिन भाई 7,500, 7,500 का स्टॉक 3,500 आएगा, यानी 50% टूट जाएगा। वो 50% टूट जाने के बाद सेल सिग्नल आएगा और आप बेच पाओगे क्या तभी? नहीं ना। तो क्वार्टरली चार्ट पे तो लेट आएगा सिग्नल भाई। तो मोमेंटम डाइवर्जेंस है, यानी चार्ट ने बता दिया है भाई खतरा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी खतरा है। मैंने ये डेंजर साइन क्यों डाला है? इन्वेस्टर के लिए डाला है मैंने कि भाई आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्वार्टरली चार्ट में खतरे का सिग्नल आया है, वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट मूविंग एवरेज तोड़ के ऑलरेडी नीचे बंद है, 13 वीक का मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे बंद है, आज वीक खत्म हो गया, नेक्स्ट सपोर्ट है 34 वीक का, अगर वो भी जाता है तो भाई भगवान बचाए ट्रेंड के इन्वेस्टर्स को। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि और ट्रेंड थोड़ा और टूटेगा नीचे में। ओके, नीचे में और थोड़ा टूटेगा, उसके बाद निफ्टी जाएगा लाइफ हाई पे, निफ्टी जाएगा 28,000, तो ट्रेंड बाउंस मार के आएगा, और फिर 28-29 हजार के बाद निफ्टी भी टूटने वाला है। वो तो मैं पहले से ही बता चुका हूं कि 2025 में मैं बेरिश होने वाला हूं। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब निफ्टी ऊपर जाए तो ये ऊपर ना जाए, मीन्स न्यू हाई पे ना जाए, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, और फिर तोड़ दे नीचे। तो मैं अभी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि टॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि यहाँ पे डेंजर साइन है। तो आप अगर इन्वेस्टर हो तो देख लो आपको क्या स्टॉप लॉस लगाना है। आप नीचे से खड़े हो बहुत, तो कई तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और अगर आप अभी लेने की सोच रहे हो तो भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ये जो फॉलिंग नाइफ है ना उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, आपको चीर देगी आपके हाथ को, आपके हाथ को चीर देगी। डोंट ट्राई टू कैच फॉलिंग नाइफ, इतना ही बोलूंगा मैं शॉर्ट नहीं बोल रहा, मैं आपको कुछ बोल ही नहीं रहा कि आपको बेचना है बेचो, जो कुछ भी एग्जिट करो, कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं धोखा है यहाँ पे, डेंजर, बस इतना ही है। तो और मैं अभी शॉर्ट नहीं करूंगा, लेकिन 2025 में ये स्टॉक्स मेरी शॉर्ट के प्रेफरेंस में रहने ही वाला है। ओके, तो ओके अभी फंडामेंटली भी देखते हैं। आप बोलोगे अरे फंडामेंटल में कब से आ गए आप? तो भाई मेरी अगर क्वालिफिकेशन देखोगे तो MBA फाइनेंस किया है, CFA भी किया है, तो उसके बाद में टेक्निकल में आया। ओके, तो इसका PE क्या है? 165। तो बहुत टाइम से मुझे कुछ कुछ लोग बोल रहे थे मेरे दोस्त कि भाई ये इसके PE बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है तो ये गिरना चाहिए, गिरना चाहिए। मैं उनको एक ही चीज बोलता था, देखो PE ओवर वैल्यूड है बराबर है, लेकिन जब तक चार्ट पे सेल सिग्नल नहीं आएगा तब तक वो ऊपर जाते रहेगा। तो अब मैं PE क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चार्ट पे सेल सिग्नल आया है, चार्ट पे सिग्नल आया है ना सेल, तो मीन्स प्राइस PE तो पहले से ही बोल रहा था कि भाई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि 165 का PE है और उसका प्राइस तो बुक वैल्यू रेशियो 48 के आसपास, तो मीन्स बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। हाँ, पियर के साथ कंपैरिजन करोगे तो सबसे महंगा स्टॉक है ये, देखो ये इसके पियर्स है, ये सबसे महंगा स्टॉक है। ट्रेंड अभी भी मीन्स इतना गिरने के बाद ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ कितना डाउन है, हाई से कितना डाउन आ गया अभी? 20%, जो भी जितना भी डाउन आ गया हाई से, उसके बाद भी अभी भी महंगा ही है। ओके, पी भी हाई महंगा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी महंगा है स्टॉक। ओके, और चार्ट पे सेल सिग्नल आया है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं भाई, इसको
फॉलिंग नाइफ को कैच मत करो, मैं सेल बेल एग्जिट विग्जिट कुछ नहीं बोलने वाला, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बट ये स्टॉक में मुझे अभी डेंजर लग रहा है भाई, तो ये स्टॉक में मैं तो हाथ नहीं डाल, मीन्स मैं तो पहले से उसको अवॉइड ही किया था मैंने, मतलब जाता है जाने दो, ऊपर जाना है जाने दो, शॉर्ट भी नहीं करूंगा लॉन्ग भी नहीं करूंगा, लेकिन अभी 2025 में 2025 में मैं मेरे शॉर्ट प्रेफरेंस में ये स्टॉक तो रहने वाला है ओके। और अभी मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं ओके, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा है ना कुछ कुछ स्टॉक्स के भाव कभी कभी आते नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि इसका भाव कभी आएगा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता भाई, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ आपका रिस्क मैनेज करो इसमें, और आपका खुद का स्टॉप लॉस डिसाइड करो और उसके हिसाब से आप काम करो, ना मैं कुछ शॉर्ट बोल रहा हूँ ना कुछ बोल रहा हूँ मैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट, हाँ बाकी के स्टॉक्स नहीं डिस्कस किए मैंने, नेक्स्ट वीक मंडे को डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है व्यू, सो दैट्स इट, कीप लविंग कीप शेयरिंग कीप लर्निंग कीप अर्निंग विद अस, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मेंटरशिप में आना है तो जल्दी आ जाओ सिखा दूंगा, सो दैट्स इट, दिस इज दीक्षित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।